हमने पिछले लेसन में जो है डिवाइड एंड डिफरेंस पढ़ा था। डिवाइड एंड डिफरेंस के आधार पर न्यूटन का अंतर्वेशन एक फॉर्मूला है, उसे हम पढ़ेंगे। न्यूटन का अंतर्वेशन फॉर्मूला विभाजित अंतर सूत्र है, इसके द्वारा हम अंतर सारणी बनाते हैं और उसके आधार पर हम किसी भी बिंदु पर मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने अंतर्वेशन के लिए जो न्यूटन ग्रेविटी के फॉर्मूला पढ़े थे उसी टाइप से। तो देखें उसका फॉर्मूला क्या है, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। तो ये देखें, पहले इसका न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र जो है वो आप ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाला जो है, ये फॉर्मूला, यही न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है ये वाला। इसको हम प्रूव करते हैं, इसको फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, मतलब ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस है दो चरों से, ये तीन चरों से, जो एक चर से दो चरों से निकलेगा ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस है पहला, और ये तीन चर है इसमें, तो द्वितीय दूसरा है वाला है, और ये जो है जितने आपके चर हैं, जितने आप चर यूज किए हैं उनसे एक कम का अंतर होता है। तो देखें पहले कैसे इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास चर एक्स के विभिन्न मान है, चर एक्स के जो मान है एक्स जीरो, मतलब चर के मान दे रखे हैं हमारे पास एन मान, एन प्लस वन दे रखे हैं, क्योंकि आपका एक्स जीरो भी दे रखा है और वन से लेकर एन तक दे रखे हैं, आप ये एन प्लस वन मान दे रखे हैं, इनके संगत जो फंक्शन के मान ये है आपके, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो और इस तरह से ही है। प्रथम विभाजित अंतरिक परिभाषा क्या है आपकी, आंतरिक परिभाषा वो हमने देखो ऐसे लिखा है, इसको डेल्टा में जो है खड़े लाइन खींच के उसे भी मतलब कह देते हैं, उसे भी संकेत दे देते हैं, और एक ये भी दे देते हैं कि आप दो चरों को, दो चर की जो मान है उनको आप एक फंक्शन में रख करके इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि आपने फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स के मान में से फंक्शन ऑफ एक्स जीरो को घटाया और एक्स माइनस एक्स जीरो को भाग दिया। दिखा रहे हैं हम इसका जो है एक्स माइनस एक्स जीरो का बजगुणन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस एफ फंक्शन ऑफ एक्स जीरो को यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये बराबर होगा फंक्शन ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स 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 कॉमा एक्स जीरो, मतलब ये आपका ये अंतर है, ये प्रथम डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है ना, प्रथम विभाजित अंतर है ये। अब आपके को द्वितीय विभाजित अंतर निकालनी है, तो उसमें तीन चर होंगे, कौन कौन से, एक्स एक्स जीरो एक्स वन, तो कैसे होगा ये, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स जीरो मतलब प्रथम विभाजित अंतरों का अंतर करेंगे, और आप जो है अब पहले और अंतिम चर का डिफरेंस करोगे। तो आपने देखो यहाँ पर एक्स एक्स जीरो लिया है और एक्स जीरो एक्स वन लिया है, तो आप इधर से जो एक्स जीरो में कॉमन इसको छोड़ देंगे, इस एक्स में से एक्स वन को हटा देंगे, ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है। अब पहले की तरह के बिल्कुल इस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन इसको यहाँ बजगुणन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बजगुणन किया तो, और इसका जो है आपने ट्रांसपोजिशन किया पक्षांतरण किया, तो इस तरफ लेकर ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन, और ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर, ये फंक्शन ऑफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन, ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो ये आपका ये आ गया, ये अगर आप अब ये अगर ऐसे ही निकालें, ये ठीक है ना, ये जो है यहाँ एक्स टू और है, ठीक है ना, यहाँ तो ये आ जाएगा आपका। अब आप एन वाला जैसे इसमें चर बढ़ाते जाएंगे ना, तो इस हिसाब से आते जाएंगे आपके टू शामिल किया और ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो एन वाला जो क्या फॉर्मूला बनाया है वो देखें आप, इसके आधार पर आप सभी बना सकते हैं कि आपका एक्स एक्स जीरो मतलब यहाँ पर आपके एन चर के मान रहेंगे, एन मान कैसे, एक तो एक्स जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक और एक स्वयं एक्स, इस तरह से यहाँ पर कितने चर के मान है एक्स, एक्स के कितने मान है एन, एन मान है, और इधर कितने हैं ये, यहाँ भी एन है, यहाँ जो है आपके होंगे एन प्लस वन एक ज्यादा, क्योंकि एक्स भी होगा और जीरो से लेके एन तक होगा,
आप देखें यहां जो है चर के मान एक तो एक्स है और एक जीरो से एन माइनस वन, यहां पर जो है एक्स से और जीरो से एन तक मतलब एन प्लस वन, और यहां जो है एन ही मान है जीरो से एन तक, ठीक है। तो ये आप इस तरह से सभी में बनेंगे। अब आप क्या करोगे, इस तीसरे वाले को आप दोबारा संशोधित करके लिख दें, ये सही नहीं है। इसको देखें, ये जो है आपका एक्स वन की जगह एक्स टू का निकाल रहा है ये, ठीक है ना। ये देखें, दो को समीकरण जो दो आया है ये वाला, इसको आपको एक्स माइनस एक्स जीरो से गुणा करना है, तीन को एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन से, तथा चार को जो है ये इससे गुणा करना है, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन से गुणा करके आपका जो समीकरण एक है इसमें जोड़ना है इस। ठीक है, यहां छोड़ देंगे तो आप क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स उसमें आ रहा है एक में एक समीकरण, इसके बराबर आपका आएगा फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, और ये फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू प्लस शेष पद इसमें और आएंगे, और लास्ट पद जो पद है वो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन और डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन और फंक्शन ऑफ एक्स जीरो से लेके एन तक, और प्लस रिमाइंडर आएगा। शेष क्या होगा आपका, एक्स माइनस एक्स जीरो से लेके एक्स माइनस एन तक, जैसे यहाँ पे एन माइनस वन तक है, और उसमें ये वाला है, ये जो है फंक्शन है ये इसमें ये और आएगा पूरा, मतलब आपका जो है यहाँ पे जीरो से लेके एन तक है ये, और यहाँ पर जो ये बार लास्ट वाला आएगा ना ये रिमाइंडर, ये दिया इसको हमने रिमाइंडर कहा है लास्ट वाला। अब आप ये देखें, यदि आपको फंक्शन ऑफ एक्स जो है एन घात का बहुपद है तो आपका ये लास्ट वाली टर्म है जो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये ठीक है ना, ये एक्स एक्स जीरो से लेके एन तक ये आपका मान एन घात का बहुपद होने पर ये इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यही न्यूटन का विभाजित तंत्र सूत्र ये वाला, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, निम्न सारणी से न्यूटन का विभाजित तंत्र सूत्र द्वारा एफ मतलब 8 पर और फंक्शन का 15 पर मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका है अंतर सारणी के आधार से इन मानों को रखते हैं पीछे तरफ और एफ फंक्शन के मान रखते हैं, आप एक बीच में लाइन छोड़ते जाए इस टेबल को बनाते समय, क्योंकि इनके अंतर जो बीच में आती है जैसे 100 में से 48 कर रहे हैं, कितना बचा 52, इसमें भाग देना है इनके अंतर का, डिवाइडेड डिफरेंस है तो आपको साथ ही चर के अंतर का भी भाग देना है, 100 में से 48 कटाया 52 और 5 में से 4 भाग दिया तो 1, 294 में से 100 घटाया तो आप अंतर आया 194 जिसमें आपने भाग दिया 7 में से 5 2 भाग, इस तरह से आपका ये पहला प्राप्त हो गया सभी में से करते हैं। दूसरे अंतर कैसे प्राप्त होगा आपको कि 97 में से 52 हटाया कितना बचेगा, देखो 7 से 2 है 5 और 9 में से 5 है 4 45, लेकिन अब आप अंतर करोगे कितना, दूसरा अंतर निकाल रहे हैं ना आप, या दूसरा अंतर निकाल रहे हैं तो आपको दो जगह दो बिंदु छोड़ने हैं, मतलब या 4 या 5 में से 4 निकाला होगा आप घटाओ 7 में से 4, ये यानी आप दो एक जैसे यहां जाओगे एक चर छोड़ गए, मतलब आपने ये यहां से एक और ये दो इसमें से दूसरे वाले में से करना है, ठीक है ना, एक छोड़ जैसे इससे तो आप यहां से मत काउंट कर यहां से करें तो आपको द्वितीय अंतर निकालेंगे इसमें से करें इसमें से करें और पहला अंतर इसमें से करें इसमें से, तो दूसरा अंतर निकाल लें तो एक और दो इसमें से करना है, इसी अब आप इसमें से 202 में से 97 बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में 7 मिला 5 और 12 में 7 करें 5 और यहाँ आएगा 19 में 7 करें 105 बच गए, 105 भाग किसके साथ हो गया 10 में से आप बढ़ाओगे इस 5 5 5 भाग दोगे इस 5 21, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब तृतीय अंतर, तो तीसरे चर पर पहुंचिए छोड़ने वाले चार को छोड़ दो तीसरे चर पर पहुंचिए 5
सात दस में से चार बढ़ेगा, कितने बजे हैं, छह, छह बजे, छह के बाद देखना इक्कीस से पंद्रह आएगा, मतलब छह इक्कीस से पंद्रह से छह में छह के बाद एक, 27 में इक्कीस घटाया तो छह बचेगा, और बाकी का देखेंगे अब 11 में से पांच घटाएंगे, ये क्यों, पांच के बाद देना एक दो और तीन, यहाँ तीस, इसी तरह से आपका जो 33 से 27 घटाया वो चाहे एक, और आप घटाओगे से या चार पांच इसी काम करेंगे, आप सात घटाओगे इसमें से एक दो और तीन, 13 में से सात, छह, छह छह बाद में तो एक, तीनों आप मान एक प्राप्त हो गए। अब एक में से घटाया जीरो, जीरो किसी चीज का भाग दो, जीरो आएगा, नहीं जीरो आएगा, ठीक है। अब न्यूटन का विभाजित दत्त सूत्र क्या है वो लिखेंगे आप, ठीक है ना, तो आंसर हो गया, आप ये देख लो एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू ये क्या है, ये आपका पहला मान है जीरो है, एक्स वन है, एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, एक्स फोर और एक्स फाइव तक मान दे रहे हैं, तो छह मान है, तो जीरो से लेकर फाइव तक जाएंगे, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स फाइव और एक्स सिक्स। हमारे न्यूटन के विभाजन तंत्र सूत्र में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, तो जो पहला मान है वो फंक्शन ऑफ चार, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस चार, और अंतर किस में निकलेगा आपका, पहला एक्स और एक्स जीरो है वो आपका एक्स जीरो है, यानी चार जो है चार मान पर वो पहला अंतर, वो चार पर दूसरा अंतर, चार पर तीसरा अंतर, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स जीरो और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये तीन यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपके दूसरा अंतर हमने इसके आधार पर निकाला, चार पांच और सात के आधार पे, इसलिए हम इनिशिएशन करके आएंगे, तो दूसरा अंतर निकालेंगे तो हम चार पांच और सात निकालेंगे, सात और सात निकालेंगे, ऐसे ये निकाला चार पर तो किससे, पांच सात दस, दस में चार हो गए, तीसरा अंतर ये इस तरह से, आपने ये सभी मान रखे हैं, फंक्शन आपका मान चार किस पे 48 है, वो देखो आपने ये 48 है, पहला अंतर 52 है, फिर दूसरा 15 है, तीसरा एक है, चौथा जीरो है, जीरो वाले लिख दिया वो जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये पहला अंतर लिया, दूसरा अंतर लिया, तीसरा अंतर लिया, ये रख दिया मान चलिए, और गुणा कर लेंगे, और ये आगे आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, अब इसमें एक्स ये मान रखते हैं आप, आठ और पंद्रह आपने रखा तो ये मान रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है कि न्यूनतम घात वाला बहुपद ध्यान दीजिए, जो कि 3 बार 15 माइनस 21 को ग्रहण करता है, जबकि हमें एक्स के मान क्या और क्रमशः क्या है, 3, 2, 1 और -1, ठीक है, ये हम अंतर साइड बनाएंगे, बिल्कुल अब हमारा एक्स जीरो एक्स वन ये क्या है हमारे, ये 3, 2, 1 और -1, यानी जीरो से लेकर तीन तक माने हैं, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, तो टेबल बनाएंगे, ये आप अंतर साइन एनालिसिस में एक लाइन छोड़ दें, ये देख दें -1, 1 और 2 और 3, और ये आपने हमसे नहीं मान रखी है, पहला अंतर किया 15 से 21 कढ़ाएंगे तो जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा 5 और 1 6 और 1 और 2 3 36, 36 में आप भाग दोगे एक और माइनस एक अंतर है 2 18 आ जाएगा, इस तरह से आप पहले अंतर आ गए। दूसरा अंतर निकालेंगे तो आप कैसे इसको हटा देंगे, मतलब इसको आप बढ़ाएंगे किसमें से, दूसरा अंतर है तो यहाँ से निकल रहे हैं इसमें से, 2 में से -1 को 3 3 हो जाएगा, 3 भाग से देगी -3 में से डाला गया तो 21 -21, तो वह आएगा आंसर -7, ऐसे ये आ जाएगा आपका -3, फिर तृतीय अंतर है तो तृतीय अंतर में -3 में से -7 घटाया तो आएगा आपको प्लस का 4, और अब आप तीसरा अंतर निकाल रहे हैं, तीसरा बचे एक ये -1 का तीसरा, 1, 2 और 3, यहाँ से 30 -1 काउंटिंग होता है इसमें, तीसरा मतलब यहाँ से काउंट में 1, 2 और 3, यहाँ से 3 में से घटाए 4, 4 का 4 हो गया 1, न्यूटन का विभाजित तंत्र सूत्र लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ये फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो, ये मतलब एक्स जीरो पर पहला अंतर, ये एक्स जीरो पर दूसरा अंतर और ये एक्स जीरो पर तीसरा अंतर, ठीक है ना, ये क्योंकि एक्स जीरो के अलावा कितने हैं चार आ रहे हैं वो उसका अग्रणी अंतर है, जैसे एक्स जीरो के अलावा कितने आए हैं 2 x1 और x2, तो यहाँ पर तृतीय अंतर है और यहाँ ऐसी तृतीय अंतर और एन वाला अंतर हम लिखते हैं सूत्र फॉर्मूला, पहले फंक्शन ऑफ एक्स जीरो या पहले एक्स में से एक्स जीरो बढ़ता है पहले अंतर के पास या द्वितीय अंतर के पास एक्स जीरो भी बढ़ता है एक्स वन भी बढ़ता है, इस तरह से फॉर्मूला हो गया। अब आगे मान रहे 2 जितने यहाँ से ये एक्स जीरो मतलब -1 के एन ऊपर ऊपर जो माने हैं फंक्शन ऑफ एक्स मतलब -1 पर मान -21, फिर पहला अंतर 18 है, द्वितीय अंतर -7, तृतीय
प्रति अंतर है जो एक है, तो ये आप इसमें मान रख देंगे। अब आप देखें कि ये मान हम इसमें जमाने हैं न्यूटन के फॉर्मूले में रख जाएंगे, और आपका देखो x - x = 0 मान क्या है माइनस वन, तो x में से माइनस वन घटाया तो x प्लस वन, ऐसी अगला मान माइनस वन के बाद प्लस वन है तो x प्लस वन और x माइनस वन, और जैसी दूसरा तीसरा मान होगा आपका x 2 का वो है आपका 2, x ये घटाया ये आपका, और यहाँ जो तृतीय अंतर ए ये आप रखिए गुणावा यहाँ कर लिए इसमें, ये आएगा एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 6। अगला सवाल देखें आपकी x माइनस छह की घात वाला बहुपद क्या है, तो पहले आप न्यूटन के टेबल बनाएंगे अंतर सारणी, और ये आपने मान देखो ये माइनस वन जीरो टू थ्री सेवन टेन, ये आपने रख लिया माइनस एट जीरो टू और थ्री और सेवन टेन, इसको फंक्शन मान रख लिए, टेबल बनाई आपने, पहला अंतर बिल्कुल पहले की तरह एक में से माइनस ग्यारह घटाया तो प्लस का बार हो गया, जीरो में से माइनस एक घटाया तो प्लस एक हो गया, तो प्लस बार एक आ गया तो बार है, ऐसे एक में से घटाया जीरो जीरो, एक में से घटाया जीरो, एक सौ इकतालीस में से घटाया तो आप 140 और सात में से तीन घटाया तो चार, चार एक सौ चार का भाग 140 में 35, ये आप ऐसे पहले अंतर आ जाएंगे सभी। तो तीन अंतर में क्या करना होता है आपको दूसरे चर से घटाते हैं, जैसे माइनस एक के को छोड़ने के बाद पहला ये जीरो दो, दो में से माइनस एक घटाया तो प्लस का तीन, और जीरो में से बारह घटाया तो माइनस के बारह, माइनस के बारह में आपको भाग देना तीन, तो आंसर आएगा माइनस चार, लिख सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन वो जीरो है और नहीं तो आप यहाँ आचार आया तो छोड़ भी सकते हैं। डेल्टा थ्री देखो कैसे निकालें, तीसरे चर तक पहुंचेंगे यानी एक इस माइनस एक के बाद तीसरे चर में, एक दो और तीन, तीन में से माइनस एक घटाया तो चार, यानी आपको चार का भाग देना है, किसमें देना है जीरो में से चार घटाएंगे यानी प्लस की चार में चार बार एक आया, इस तरह से तृतीय अंतर आएगा। न्यूटन का फॉर्मूला लिखेंगे आप पहले न्यूटन के सूत्र से, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो, पहला अंतर एक्स जीरो पर x माइनस एक्स जीरो और x माइनस एक्स वन, द्वितीय अंतर द्वितीय अंतर और x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, और ये तृतीय अंतर मान रख देंगे। देखो ये आपके फंक्शन के मान माइनस चार है बारह है और माइनस चार और ये ऊपर ऊपर जो है ये माइनस एक पर अंतर है विभाजित अंतर के और फलन के मान है ये, तो ये आपने सारे मान से जमा दिए बड़ा भाग कर लिए हैं और ये आपका अंतिम आंसर आ गए एक्स की घात तीन माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस वन प्लस ए, लेकिन ये जो आंसर आपको एक्स माइनस छह के रूप में नहीं आ रहा, हमें एक्स माइनस छह के रूप में लाना है, क्या करेंगे पहले लिख लो मान या गुणांक आएगा ए, एक्स माइनस छह घात तीन प्लस बी आएगा एक्स माइनस छह घात दो प्लस सी आएगा एक्स माइनस छह और प्लस आएगा अंतिम। कैसे निकालेंगे संश्लिष्ट भाग विधि ना आपको पहले उसमें पढ़ाई थी क्रम गुणित खरल में, उसमें तो क्या करोगे आप पहले ये जो आपको बहुपद आया उसे गुणांक लिखे एक माइनस पांच छ और एक, एक माइनस पांच छ और एक, क्या करोगे किसको घटा के लिखना है आपको छ को, छ लिखेंगे यहाँ छ लिखा आपने और यहाँ बताएंगे जीरो, एक और जीरो को जोड़ा आपने एक, एक का छह से गुणा करेंगे यहाँ तो आएगा छ एक छ, छ यहाँ रख दिया अगले अंक के पास नीचे तो छह से पांच घटा तो बच गए एक, और इस एक का प्रभाव से छह से गुणा करेंगे तो छह एकम छह छह आएगा छह और छह कितना आएगा बारह, इस बारह का फिर से छह से गुणा करेंगे तो बारह छह के बैठता है 72, ये 72 आ गया इनको जोड़ा 73, यहाँ जो आंसर आएगा वो अंतिम चर का आता है ये डी का मान आ गया। वापस क्या करोगे आप यहाँ छह उतारोगे इस यहाँ एक जो प्राप्त हो सके जीरो उतारोगे इसको जोड़ोगे जीरो को तो एक आ गया, एक का छह से गुणा किया तो छह, छह और एक सात, सात का फिर छह से गुणा करेंगे तो 42 ठीक है ना, और इसने को जोड़ा तो आ गया 54 बचा हुआ आ गया, ये आपका जो मान है वो है आपका सी का मान, बिल्कुल पहले की तरह ही छह बता रहे हैं यहाँ एक प्राप्त होगा उसके नीचे जीरो बता रहे हैं इसको जोड़ेंगे एक प्राप्त होगा एक का छह से गुणा करेंगे तो छह का छह, अब सात और छह कितने हो गए 13, ये आपका बी का मान है बिल्कुल पहले की तरह छह बता रहे हैं एक के नीचे जीरो बता रहे हैं जीरो और एक को जोड़ेंगे एक, ये आपका ए का मान, ए बी सी और डी का मान आप रख देंगे
तो आपका फंक्शन जो है x माइनस छह की घात के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऊपर पहले आपको बहुपद क्या करना है, न्यूटन से सामान्य रूप तक लेना है, x माइनस छह के घातें ज्ञात करने के लिए आपको संश्लिष्ट भाग विधि से कर लेना है और यह मान ABCD के, तो ये आपको मान आ गए और ये आपका आंसर हो गया।